साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज कुछ खास खबर देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश में कई विधानसभा की रैलियों को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। राजनगर विधानसभा में सपा प्रत्याशी नितेश चतुर्वेदी बंटीबाई के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए देरी से पहुंचे। उप्र के पूर्व सीएम ने लोगों से कहा, आपका इंतजार बताता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस दोनों के शासन काल में महंगाई व भ्रष्टाचार बढ़ा है। दोनों ही पार्टियों एक दूसरे की पर्याय बनी हुई है। उनके कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने जनता का शोषण किया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के शासन से जनता उब चुकी है, इसलिए वह बदलाव चाहते हैं। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जी तोड़ मेहनत करो और सपा प्रत्याशी को जीता कर भोपाल भेजो। कार्यकर्ताओं को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि सपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सके। भाजपा द्वारा जो आवास दिए जा रहे हैं, सपा उनसे कहीं बेहतर 5 लाख रुपए की लागत से आवासों का निर्माण करवाएगी। प्रदेश में यह पहली बार है कि समाजवादी पार्टी अनेक सीटों पर मजबूत के साथ लड़ रही है। मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इतनी धूप में भी आप लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए इतनी देर से बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मुझे मालूम है समय कम है, हमारे अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कार्यक्रम आगे भी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो आप लोगों के बीच में ही आना जाना लगातार है, मिलना जुलना भी लगातार है। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चीजें दो चार बातें मैं आप लोगों से सभी से करना चाहता हूँ। इधर की कांग्रेस तुम कभी बाहर नहीं निकालते, अब जो कांग्रेसी हैं वो तो तरह तरह के बहाने पहनते हैं, रोज रोज बदलते हैं। लोग बड़ी हसरत से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने इस बीच में बहुत छलावा भोगा है, बहुत धोखा खाया है, बहुत पीड़ा उठाई है, बहुत उपेक्षा बर्दाश्त की। हम कोई एक ऐसा आदमी चाहते हैं जो उनके दुख दर्द का बराबर का हिस्सेदार बना रहे। ये बड़ी कठिन परीक्षा है। भाजपा ने रोजगार देने का जो वायदा किया था उस पर खरी नहीं उतर पाई है, इसलिए उसके शासन काल में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। सपा गरीबों की पार्टी है और बेरोजगार को रोजगार देने का कार्य करेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर न होने से रोजगार की जनता को पलायन करना पड़ता है। सपा द्वारा जिले में रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। उन्होंने राजनगर विधानसभा सीट के प्रत्याशी बंटी भैया को समर्थन देने की अपील की। मंच पर हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सतपथ चतुर्वेदी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरेश उत्तम जी, जिनको सबने देखा है अर्जुन के रूप में, फरोज खान साहब, बाला कुशवाहा जी, रमेश प्रसाद जी, चैया प्रजापति जी, वीर सिंह पटेल जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी नौजवान साथी बंटी भैया, उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता, गौरवान गणतंत्र पार्टी के हमारे प्रतिनिधि, चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें, नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले
आई हुई जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ मैदान में हमें लाली लाल टोपी दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड से ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवरे की खास खबर MNS न्यूज के लिए। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।